नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केरकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और घोड़बंदर ठाणे मुंबई महाराष्ट्र में एज अ साइकेट्रिस्ट काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे स्किजोफ्रेनिया ये बीमारी के बारे में। स्किजोफ्रेनिया जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी सीरियस साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, लेकिन अगर ये जल्दी पकड़ में आ जाए, अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो ये काफ़ी कंट्रोल में प्रॉब्लम रह सकता है। लेकिन इसके बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ लोगों में हैं, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोगों में फैली हुई है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो कॉमनली मुझे सामने आती है लोगों से बात करते समय, उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी और जो गलत फहमियाँ हैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले गलत फहमी ये होती है कि ये कोई बीमारी है जो हमारे घर में नहीं हो सकती और ये काफ़ी कम लोगों को होती है, ज़्यादा लोगों को ये होती नहीं है। ऐसा नहीं है। सिज़ोफ्रेनिया ये 100 में एक इंसान को यानी 100 में से एक व्यक्ति को हो सकती है। सिज़ोफ्रेनिया ये डबल पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। डबल पर्सनालिटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। स्किजोफ्रेनिया ये थॉट यानी हमारे विचारों की अस्थिरता के वजह से होती है, इसलिए वो व्यक्ति कभी एक बात करता है तो कभी दूसरी बात करता है, कभी गुस्सा होता है तो कभी हंसता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये डबल पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं है, वो विचारों की अस्थिरता है, उसकी वजह से ये होता है। तीसरा, स्किजोफ्रेनिया ये इन्फेक्शियस है। ते इन्फेक्शियस नहीं है, इन्फेक्शियस है नहीं, ये इन्फेक्शन जो होता है एक इंसान से दूसरे इंसान को, उसको हम इन्फेक्शियस कहते हैं। तो ये इन्फेक्शियस नहीं है। स्किजोफ्रेनिया ये हेरिडिटी है यानी अनुवंशिक है। एक पीढ़ी में है तो शायद दूसरे पीढ़ी में वो जेनेटिकली जा सकती है। काफ़ी घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि मम्मी को है या पापा को है तो बच्चों में भी है। एक घर में 3 या 4 या 2 पेशेंट्स भी एक बीमारी के हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी को स्किजोफ्रेनिया हो। बीमारी ज़रूर हो सकती है क्योंकि ये हेरिडिटी है। तो एक और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग बीमारियां हो। स्किजोफ्रेनिया भी बहन भाई को हो सकते हैं या मम्मी और बेटी को हो सकते हैं, पिता और बेटे को, पिता और बेटी को, ऐसा हमको देखने को मिल सकता है। चौथा यह है कि स्किजोफ्रेनिया के लोग बहुत वायलेंट होते हैं और ये घर में रखने के लायक नहीं होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। स्किजोफ्रेनिया के लोग ज़रूर वायलेंट होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर उन्हें ट्रीटमेंट दी जाए, प्रॉपर फॉलोअप साइकेट्रिस्ट को दिया जाए तो शायद वो अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं दवाइयों पे। और ज़रूरी नहीं है कि उन्हें बाहर ही रखना है। अगर उन्हें प्रॉपर घर का वातावरण मिले, उन्हें सपोर्ट, जो मेंटल सपोर्ट चाहिए, जो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, पावरफुल फैमिली चाहिए, अगर वो उन्हें मिले, एक सिक्योरिटी मिले, तो ये पेशेंट्स काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं दवाइयों पे और अपने घर में रह सकते हैं। सबसे लास्ट यानी कि स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट्स अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। स्किजोफ्रेनिया भी है तो भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली अपने पैरों पे खड़े हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है और दवाइयों पे मेंटेन होके भी अच्छे से अपनी जॉब्स फंक्शनैलिटी प्रॉपर है। भले ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उनको जाता है कि वो 100% इतना हाईली फंक्शनल नहीं हो पाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो मेंटेन रहते हैं और अच्छे से अपना काम, अपना जॉब निभाते हैं। उसमें और एक गलत फहमी जो लोगों में है वो है कि स्किजोफ्रेनिया ये मंद बुद्धि के लोगों को होता है। नहीं, ये नॉर्मल इंटेलेक्चुअल लेवल के लोगों को भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये मंद बुद्धि के लोगों को हो जो नॉर्मल आईक्यू से पैदा हुए हैं,
बाद में 20 साल 25 साल 30 साल में भी लोगों को अच्छी खासी जॉब कर रहे होते हैं, अच्छी खासी फैमिली होती है और अच्छा हाईली इंटेलेक्चुअल जॉब कर रहे होते हैं, उसके बाद भी किसी को कभी भी स्किजोफ्रेनिया हो सकता है। जनरली हम कहते हैं कि ये 15 से 25 साल के बीच में होता है, लेकिन स्किजोफ्रेनिया कभी भी हो सकता है। तो ये थे स्किजोफ्रेनिया के बारे में, जो गलत फहमियाँ हैं लोगों में उसके बारे में जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मानसिक बीमारियों के बारे में सही जानकारी पहुँचे और जिनको सहायता की ज़रूरत है उन्हें सहायता मिले। नमस्ते।